जुकाम पाने वाला है क्या? जुकाम रेडी जी ऐसा करेंगे, आधा घंटे पहले ना इस मेज के नीचे छिप जाएंगे। पहले मैं हेलमेट, अरे तू ये क्या कर रहा है, ये हेलमेट क्यों पहनना? क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है, फिर से लॉकडाउन लगेगा। मरोना को अंजाम देने वाले लोगों की तलाश जारी और अगले 24 घंटे में पकड़ लिए जाएंगे वो सब। अरे तू ही तो है ये। व्हाट? क्या कुछ भी बोले जा रहा है? हाँ तो मैंने कब मना किया कि ये मेरी फोटो नहीं है? कोई अननोन नंबर है। अरे कुछ नहीं होता, उठा ले और स्टिकर पे कर दे। उस पर तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या कहीं किसी लड़की से पंगा तो नहीं ले लिया ना? कहीं उसने तेरी अलग खस्ता कर दियो? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भाई। फिर वो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर निकला था। क्या करने बाहर निकला था? तुझे मना किया ना बाहर निकलने के लिए। वो क्या बोबो, सच सच बता किस काम से बाहर गया था? यार क्या बताऊं, दो दिन हो गए मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। किसकी याद आ रही है? कौन सी गर्लफ्रेंड की तुझे याद आ रही है? अरे भाई इतना भोला तू कैसे हो सकता है रे, तुझे पता है ना कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर किससे मिलने गया था? अरे मिलने थोड़ी गया था भाई, खाने गया था। क्या खाने गया था? गोबर खाने गया था। साथी, क्या बकता है तू, भला इंसान मैं तेरी तरह गोबर क्यों खाऊंगा? फिर क्या खाने गया था? वो सच बताऊं तो मोमोज। क्या मोमोज? तुझे ऐसी सिचुएशन में भी मोमोज याद आ रहे हैं? भाई तेरी भी तो जीभ लपलपा रही है। हाँ तो क्या, कौन सा फ्लेवर खाकर आया तू? मेरा मतलब कौन से मोमोज खाकर आया तू? अरे कहाँ भाई, जैसे ही दुकान पर पहुंचा और फ्राइड मोमोज का ऑर्डर दिया, कुछ लोगों ने तो मुझे पहचान ही लिया, यहाँ तक कि अखबार से मेरा फोटो तक मैच करने लग गया। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या, बारिश होने लग गई। बारिश? कैसी बारिश, यहाँ तो कोई बारिश नहीं हुई। अरे इतना भोला कैसे हो सकता है रे तू, मैं उस असली बारिश की बात नहीं कर रहा, मैं तो जूते चप्पल और टंडो वाली बारिश की बात कर रहा हूँ जो मुझ पर बरसाई गई। फ्राइड मोमोज तो मिले नहीं, लेकिन यहाँ पर मेरा सब कुछ फ्राई हो गया। चलो बहुत अच्छा हुआ तेरे साथ, तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, बढ़िया सबक मिला तुझे। अरे कैसा भाई है रे तू, एक तो यहाँ पर मेरी हालत खस्ता हुई पड़ी है और तुझे बड़ी हंसी आ रही है, तुझे बड़ी खुशी हो रही है। और क्या, बहुत अच्छा ही हुआ, तू किसी की मानता थोड़ी है, सारा दिन मोमोज मोमोज मोमोज, अच्छी अकल ठिकाने आएगी तेरी। बड़ा आया। और ये क्या कर रखा है तूने? अब क्या कर दिया मैंने, ये कमरे की हालत फिर से इतनी बुरी कैसे? फिर से सारी चीजें तूने इधर उधर फैला दी ना, तुझे उस दिन कितना समझाया था पर तुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा लगता है। फिर क्या हो गया भाई, वैसे भी मैं ये बोतल ढूंढ रहा था सिकाई के लिए, सच्ची में यार बहुत दर्द हो रहा है और पढ़ाई तो मैंने की ही नहीं है अभी। अभी ढूंढवाता हूँ तेरी बोतल, लगता है तुझे बोतल में उतारना ही पड़ेगा। मतलब तुझे अभी समझाता हूँ, रुक एक मिनट रुक। पता नहीं अब क्या करने जा रहा है। अरे अरे ये क्या लेकर आ रहा है और किसके लिए? ये तेरे लिए, क्योंकि तुझे ना बहुत चर्बी चढ़ रही है। क्या रे टू बाई टू, अब तो अपने भाई पर ऐसा जुल्म करेगा, छोड़ देना भाई प्लीज, इस बार मान जा, आगे से ध्यान रखूंगा, प्लीज भाई डंडा रख दे प्लीज, इस बार मान जा। ना 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 ना, आज नहीं रुकूंगा, आज तो तेरी अक्ल ठिकाने लगानी पड़ेगी। ये ले। मत मार यार, बोल दे तोरा मत मार, प्लीज छोड़ दे, प्लीज छोड़ दे। बस कर भाई, बस कर, छोड़ दे भाई।
साफ कर, अभी साफ कर। अभी करता हूँ भाई, छोड़ दे प्लीज। जल्दी साफ कर, दो मिनट में साफ कर अभी, नहीं तो तेरी भाई सही कमर भी मैं पूरी तोड़ दूंगा। साफ कर अभी, मैं आता हूँ। कैसी किस्मत है प्रभु, घर के बाहर जाऊं तो लोगों का अत्याचार, चप्पल जूते और डंडों का अचार, और घर के अंदर इष्ट बैठू का कहार। मेरी किस्मत हुआ साफ नहीं भाई, बस कर रहा हूँ। देख भाई, मैंने चमका दिया। वैसे बात बता एक भाई, कि तू कहाँ से आया है? भाई मैं कहीं काम से गया था। कौन से? वही काम जो हम दो दिन से करने की कोशिश कर रहे हैं पर अब तक कर नहीं पाए। सही कह रहा है भाई, पूरे दो दिन हो गए उस तीसरे बंदे की तलाश में, लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं चला। वो तो है, और यहाँ तक कि हम दिल्ली भी हो आए हैं उसकी तलाश में। लेकिन कुछ भी हमारे हाथ नहीं लगा। हमने ऐसे धक्के भी खाए और जूते। हाँ सही कह रहा है। तो कुछ बात बनी जो तू बाहर करने गया था? वैसे तू कहाँ गया था बाहर? साइबर कैफे में गया था, कुछ पुरानी न्यूज़पेपर की साइट्स का पता लगाने के लिए। अच्छा है, अभी हमारे पास दो ही सुराग है उस बंदे का पता लगाने। हाँ भाई तो सही कह रहा है, उसने खुद ही हमें दोनों सुराग दिए हैं। तो अबे कौन है तू, पहले ये तो बता, और हमें क्वेश्चन मार्क बनाने में क्यों तुला हुआ है? ये तो तुम्हें कभी नहीं पता चल पाएगा कि कौन हूँ मैं। तो फिर इतना ही बता दे कि तूने बचपन में फोटो क्यों नहीं खिंचवाया? वो तो अच्छा हुआ, साला स्विमिंग कंपटीशन के दिन मैं चड्डी पहनना भूल गया, इस वजह से मेरा फोटो नहीं हो पाया। फर्स्ट पोजीशन आया बट फोटो मेरा एक भी नहीं हो पाया। और दूसरा? तो यंग एज में खिंचवा लेता, कभी कॉलेज नहीं गया क्या तू? ये मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन मैं विग पहनना भूल गया था, इसीलिए मुझे कोई पहचान ना सका और मेरा फोटो भी नहीं हो पाया। हाँ बस, तो हमें इन्हीं दो सुराग पर काम करना होगा, किसी तीसरे सुराग या फिर उसी तीसरे बंदे का पता लगाना होगा। हाँ पर कैसे लगाएंगे पता, जैसे ही हम घर से बाहर जाते हैं हमारी तो हालत ही खस्ता हो जाती है। वही तो। फिर तो भाई एक बात बता, जब तू साइबर कैफे गया होगा उस टाइम भी तो तुझे मार पड़ी होगी, क्योंकि तू भी बाहर गया था। हाँ पड़ी थी, एक आदमी से एक थप्पड़ पड़ा था, क्योंकि उसकी पत्नी उससे सफाई जो करवाती थी। क्यों? अरे उसकी वजह भी हम ही है, उसकी पत्नी मरोना से इतना डर गई कि वो फालतू की सफाई अपने पति से करवाने लगी, और उसके पति ने वो सारा गुस्सा, सफाई का सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया थप्पड़ बरसाकर। सच में यार, हमारा तो जीना ही हराम कर दिया लोगों ने, और सबसे ज्यादा तो मेरा। वही तो। अच्छा वो न्यूज़पेपर की साइज का क्या रहा जो तू पता लगाने गया था? हाँ मैं पता लगा आया, तुझे व्हाट्सएप पर भेजता हूँ, जैसे ही व्हाट्सएप पर भेजूँ काम शुरू कर दियो। उसमें मुझे क्या पता करना होगा और कैसे? रुक बताता हूँ, पर उससे पहले एक बार मुझे फोन दे, मुझे किसी को फोन करना है। किसे? वही जो अब हमारी मदद करेगा, हमारी आखिरी उम्मीद, वही अब हमारी मदद करेगा उस तीसरे को ढूंढने में। तो गाइस ये था आपके लिए बिफोर सस्पेंस बोनस एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के एपिसोड्स को देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।